तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑनर के तरफ से आने वाला ऑनर एक्स 9V 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि दोस्तों आपको जो है बहुत ही जल्द जो है इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और इसका दोस्तों जो ऑफिशियली जो है लॉन्चिंग डेट भी आ चुका है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आपको जो इस वीडियो में बताता हूं कि इस फोन में आपको जो है क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है ये भी बताऊंगा कि ये फोन आपको जो है कितने प्राइस में जो है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस फोन के जो है डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां आपको जो है बैक पैनल आपको जो है लेदर का देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है पीछे की ओर आपको जो है ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल जाता है, जो कि डिजाइन के मामले में दोस्तों ये फोन जो है काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस फोन के जो है कुछ फीचर्स के बारे में आपको जो है बताते हैं कि इस फोन में आपको जो है क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलता है। और मैं आपको जो बता दूं कि इसमें जो एक फीचर्स आपको जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है वो दोस्तों आपको जो है डिस्प्ले। और इसका दोस्तों जो डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है अनब्रेकेबल जो है डिस्प्ले मिलता है, यानी कि दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले है आपको दोस्तों जो कितने भी ऊंचाई से अपने फोन को जो है गिराएंगे तो डिस्प्ले आपका दोस्तों जो है नहीं टूटेगा। ये दोस्तों ऑनर के तरफ से जो है एक एड में भी दिखाया गया है। तो इस फोन का दोस्तों जो लॉन्चिंग डेट है आपको जो है 15 फरवरी को जो है देखने को मिल जाएगा। इस फोन के दोस्तों डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है मिलता है 6.78 इंच का जो है सेंट्रल पंचुअल के साथ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ एलमोड कर्व डिस्प्ले। और इस फोन के दोस्तों रेजुलेशन आपको जो है 1.5K का जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको दोस्तों ये अनब्रेकेबल जो है डिस्प्ले देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों इस तो ये फोन आपका जो है कहीं से भी गिरेगा, यानी कि दोस्तों कितने भी ऊंचाई से भी गिरेगा दोस्तों डिस्प्ले को जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस फोन के दोस्तों जो है डिस्प्ले पर आपको जो है 1 ईयर का जो है वारंटी भी देखने को मिल जाता है। और इस फोन के दोस्तों रैम एंड रोम की बात की जाए तो ये फोन आपको दोस्तों एक ही वेरियंट में जो है इंडिया में लॉन्च हो रहा है, जो कि आपको दोस्तों 12 GB और 256 GB में जो है देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको दोस्तों डबल सिम जो है सपोर्टेड देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको जो है SD कार्ड सपोर्टेड देखने को नहीं मिलेगा। और ऑनर एक्स 9V 5G स्मार्टफोन की दोस्तों जो है परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट के साथ आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और इस फोन के दोस्तों बैक में आपको जो है ट्रिपल कैमरा जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आपको दोस्तों मेन कैमरा आपको जो है 108 MP और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है 5 MP का जो है टेरिपोड लेंस देखने को मिलता है। और वहीं पर आपको दोस्तों 2 MP का जो है मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है। तो इस फोन के दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 16 MP का जो है फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और ये फोन आपको दोस्तों आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर जो है देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको दोस्तों जो है सभी सेंसर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों जो है फिंगरप्रिंट सेंसर से लेकर आपको जो है फेस अनलॉक सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और इस फोन के दोस्तों बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 5800 mAh का जो है बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको जो है एक बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाता है। ये फोन आपको दोस्तों 35 वाट चार्जिंग सपोर्टेड के साथ देखने को मिलेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के जो है मेन पॉइंट के बारे में, यानी कि दोस्तों इसका जो प्राइस है। तो ये फोन आपको दोस्तों इंडियन प्राइस में तकरीबन जो है 28 से लेकर 30 हजार रुपए के बीच में जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये फोन आपको जो है 15 फरवरी को जो है लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप भी फ्रेंड्स इस फोन का जो है वेट कर रहे हैं तो आप दोस्तों 15 फरवरी तक जो है वेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।